मैं तो सजेस्ट करूंगा मलिन मंडी ना ही आओ तो बेहतर है बायकॉट। अनु रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा तो मना कर रहे हैं चचा की रिकॉर्डिंग नहीं करो। अब जो रेट जो है होना चाहिए था 70-80 उसके मांग रहे हैं 2 लाख। इसके क्या बोल रहा है फाइनल 170 बोल रहा है भाई। अभी हमने पीछे वाले जानवर का मालूम किया सिप्पी का, उसके 6.5-6 कुछ इस तरह से इसने प्राइस बताया। पर इस तरह के जानवर के भाई 3-4 यार 1.5 में छोड़ो 2 में छोड़ो जानवर है ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है भाई। तो वेलकम बैक हो गया है अनदर व्लॉग और एक और मंडी के अंदर आज हम मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, मीन्स वासिफ इजहान और बाकी तमाम दोस्तों के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं आज मलिर मंडी में। इसका चैनल क्या भाई का? वो कहाँ है हसन मोहम्मद राहत का भी और वो है भाई इजहान है। दफा फिर से हमारा व्लॉग क्लैश हो रहा है भाई। किसके हिसाब से मंडी सस्ती है? अभी हमने पीछे वाले जानवर का मालूम किया सिप्पी का, उसके 6.5-6 कुछ इस तरह से इसने प्राइस बताया। तो उसके क्या मांग रहे? जोड़ी के 4 लाख मांग रहे। जोड़ी के 4? क्या सीन है? एक पसंद तो आया वाइट का, 2-30 फाइनल कह रहे, 45 कह दिया उसको। 1-45 में कह चुका हूँ। 2-30 कितने बोल रहे हो? 1-4। अरे भाई साहब तू बताओ पापा खाना उसमें ले जाओ। 40 40 बोले 41 में ले लेंगे। चालीस सही है, छोड़ 40। 2 मिनट का अच्छा लग रहा है बस। सीन ये कि वो बात तो कर भाई, आके खड़े होके भाई मुड़ो यार भाई कर बात फिर देख लेते हैं बीच का रास्ता निकाल लेंगे। बात सारी है कि वो रुक नहीं रहा, पर रेट वगैरह अच्छा लग रहा है। अच्छा रिहाइश कितनी बेहतरीन वीआईपी करी हुई लोगों ने अपने वहाँ पे, इसी के तो ले रहा है एक अलग से। एक टाइम आएगा यहाँ पे आउटर लगा हुआ होगा, अंदर एसी चल रहा होगा, शीशों का नालीस जो है वो मैं गाय के दे रहा था और 1 लाख इसके मांग रहा है शायद, ये साइडों में कुछ लगाना चाह रहा है। अच्छा 15,000 रुपये कमा रहे जानवर को बोल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ बोलो चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात ये याद रखना भाई, किसी मंडी में एंटर होगा ना आपको बोलेगा ये पाकिस्तान की सबसे सस्ती मंडी है। मैंने एक दो जानवर के रेट लगाए, दोनों वाइट थे। वासिफ ने एक के पूछे, उसके उसने 2.25 बोले। फिर हम जब उसके बैक पे गए, उसी उससे थोड़ा बड़ा हैवी जानवर था, उसके भी उसने 2.25 बोल दिए बड़े भाई। और ये इसके क्या बोल रहा है फाइनल? 170 बोल रहा है भाई। भाई ये एक जानवर पसंद आया है हमारे भाई को, माशाल्लाह से है बड़ा प्यारा भूरा भूरा सा। और कितने रेट बोल रहे हैं इसके? 170। 1,70,000 इस जानवर के? सीरियस बताना आपने कितने का सोचा था ये मिल जाएगा? सर जी आप अच्छे खासे मंडी में हैं तो आपका क्या कहना है मंडी के बारे में, किस तरह के प्राइस हैं, क्या चल रहा है यहाँ? मंडी के प्राइस तो ये हैं कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जो रेट जो है होना चाहिए था 70-80 उसके मांग रहे हैं 2 लाख रुपये। डालेगा 20,000 रुपये वाला ज़्यादा, कम से कम रेट जो होना चाहिए वो इतना हो कि गरीब आदमी जो है उसको अफोर्ड कर सके और कुर्बानी अपनी हलाल कर सके। बात ये कि हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस हुकूमत का ही नहीं है तो इधर जानवरों का क्या होगा? उन्होंने तो हर किसी को जानवर समझा हुआ है। कर रहे हैं कि 60-65-70 में मिले यहाँ, तो जिस जानवर पे हाथ रखो वो छूटते ही 2 लाख रुपये तो मांग रहा है। क्या हो गया, क्यों परेशान घूम रहे हो तुम? जानवर नहीं मिल रहा है यार जानवर। ये डेढ़ वाले थे मिल जाएंगे, इतने नहीं है जितने। बीबी डेढ़ में दे देगा वो, अगर कुछ और भी लेगा, वो। बाकी आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करो, व्यूज लेकर आओ। 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोग ने कर ही दिए, उससे ऊपर लेके जाओ। हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे तो मना कर रहे हैं चचा की रिकॉर्डिंग नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जनाब? क्या आप यहाँ पे जानवर लेने आए हैं? क्या जानवर लेने आए थे लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के वापस ले जाएंगे। वजूहत क्या है यहाँ पे बस घूम फिर के जाने की? 8 लाख 4 लाख नहीं। पिछले 2 घंटे से हम लोग भी घूम रहे हैं, हमारे साथ भी सेम सीन है। ओ तेरी करीब करीब भी नहीं आने दे रहे। आप लोग के सिंग लगे कौन सी मंडी में मौजूद है मंडी बताइए। अरे इस तरह के जानवर के भाई 3-4 यार 1.5 में छोड़ो 2 में छोड़ो जानवर है ठीक है ना। थोड़ा बड़ा 1.65 बकरे से, थोड़ा बड़ा 1.65 बकरे से थोड़ा सा बड़ा है।
बकरे से थोड़ा सा एक इंच बड़ा हो गया, दो इंच ना कोने में एक है। आओ चेक कराए भाई, बताओ भाई बकरे से बड़ा जानवर मिल गया कहाँ है? नंबर ले लो हमारा। ये भाई ये है थोड़ा सा कटिंग भी सही हुई हुई देख। हाँ बकरा ईद करीब है ना, चंद रात से पहले पहले कटवा लेगा फेशियल भी। सही कह रहे हो भाई, मैं तो सजेस्ट करूंगा मलिन मंडी ना ही आओ तो बेहतर है, बायकॉट करो। नहीं नसीब से आपको मिल सकते हैं, लेकिन यार मोस्टली हमारा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का ये भाई। और सिर्फ हमारा नहीं, आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, वो जो हमारे साथ पार्टी मिली थी हमें उनका भी ये कहना तो बड़ी बड़की हुई थी, क्योंकि सुबह 10 बजे से आए हैं भाई। क्या इरादा इन लोगों का, क्या कह रहे हैं? मैंने तो लगा दिए उसके भाई, लेकिन अभी बकरे का खीरा है, बकरा नहीं ये वाले तो कितने ब्राउन व्हाइट वाला। अच्छा क्या उम्र है? 185 बोल रहा है, दो दांत का है। मैंने अभी फिलहाल 40 85 मैंने 40 से स्टार्ट किया है। अब वो बात नहीं कर रहा आगे, अभी वे बोल रहे कैसे बात करो, अगर बात बनती है तो खा लेते हैं, देखते हैं। नहीं मानेंगे भाई, इनको बेचना ही नहीं। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं भाई कन्विंस। आ जाओ सुशांत में, थोड़ी सी मेहनत करते हैं बड़े भाई, देखते हैं क्या पता कन्विंस करने से मान जाए, नहीं माना तो हमारी पहले दांत चेक करना। हाँ पहले दांत चेक करना जरूरी है। सुशांत भाई क्या चीज हुई है हमारे साथ बताना जरा, क्या 2 मिनट में इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया? 2 मिनट इन्होंने समझ ले माल लेके स्टॉक पे लगाया हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से चल रही है इनकी। 5 मिनट में आप हो रहा है डाउन तो साला हो ही नहीं रहा, ये सकता है। अभी सिर्फ 2 मिनट पहले इन्होंने प्राइस लगाया हमारे पास आगे, मैं बताई भाई इतने में दे रहा, हम इतने में सौदा मार के आते हैं। जानवर था ऐसे प्राइस बढ़े ऐसे है कि मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ अपने पैसे सारे लगा के इधर इन्वेस्टमेंट कर दूँ, यहाँ भाई आपका घाटे का सौदा ही नहीं है। पैसा बढ़े बता रहा हूँ, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा ये वो है भाई। 1 25 1 35 अब जो मेन हमारे साथ सीन हुआ है ना, ये आपको हमारे भाई बताएंगे। जिशान भाई जरा बताइएगा क्या हो गया यहाँ पे भी। भाई ये एक जानवर मैंने खड़ा किया, मैंने बोला यार ऐसी सुगल में देखते हैं इसका रेट वेट पता करते हैं। जानवर मैंने आपको दिखा दिए कहते हैं, व्यापारी ने मुझे बोला मेरे पास आओ मुझसे डील करो। मैं जैसे क्या कह रहा है 25 और 35, ये और सही है 25,000 और 35,000 बहुत सही है भाई, दोनों उठा लेते भाई, हम धन वन करने जा रहा भाई सौदा। बाद में बोल रहा हूँ 1 25 1 35 एक लाख ऐसा बढ़ा रहे हैं जैसे ये तस्वीर में एक दाना कम था 99 दाना डाल दिया भाई हमने पूरी हो गई ऐसा मिनटों में लाख रुपए बढ़ा रहे हैं भाई, मिनटों में लाख रुपए। तो भाई यहाँ लग रहा है सौदा चल रहा है या पड्डा हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर रश काफ़ी है जानवरों का, कुछ तो हुआ है वहाँ, कुछ हुआ है माशाल्लाह। जानवर बड़ा हैवी लेके जा रहे हैं ये भाई, हमारे पास एक भाई मौजूद है अभी अभी, उन्होंने माशाल्लाह जानवर परचेस के लिए पहली पार्टी हमें नजर आ रही है यहाँ पे जिसने जो है जानवर खरीदा है। भैया बताइएगा यहाँ पे रेट किस तरह के हैं और कितने में मिला आपका, क्या सौदा हुआ था? हाई फाई रेट है, 2,60,000 का। 2,60,000 का कब? मुतमईन हो इंशाल्लाह। सुबह कब से आ गए थे यहाँ मंडी में? 11 बजे से आप आए हुए थे और अभी का टाइम हो रहे हैं 5 बजे भाई, थके हैं हम लोग। कहाँ से आयो? किमाड़ी से आए हुए भाई है, ठीक है ना। सुबह माशाल्लाह से भाई ने जानवर बड़ा प्यारा लिया, मैं आपको दिखा दूँ ठीक है। तो चले ठीक है, 5 दफा व्यापारी के बाद चक्कर लगा चुके हैं। अच्छा उसके बाद ओह, और इसके बोल कितने का था? इसके फर्स्ट टाइम मांगे 4 मैच बोल रहे होंगे जी, इतनी 4 मैच बोल रहा होगा ना। चलो यार कह सकते हैं 4 तो बोल रहे हैं, 4 वाली चीज भी दिख रही है तुम्हें आंखों से? नहीं जैसे बाहर अंदर हैं काफी सारे, हम खुद देख रहे हैं यार हिसाब से 4 वाली चीज नहीं है। इतना सा जानवर होगा, 170 मांग रहा हूँ। महंगाई तो है, महंगाई के लिहाज से तो चलो फिर भी माशा अल्लाह आपको अच्छा मिल गया। मुबारक हो बहुत बहुत आपको, आपका जानवर मिल गया, कुर्बानी का अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल करे। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने देखा क्या सीन था यहाँ पे, भाई हमारे को मिले सुबह से आए हैं, अब इनका सौदा बना। मैं बोल रहा हूँ अभी जब से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं उसके बाद से फर्स्ट बंदा था जिसने जो है जानवर परचेस किया, इनकी डील डन हुई है, जानवर अपने घर लेके। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने जो मेन मंडी थी मलिर की वो विजिट कर ली है, और साथ ये सीन है कि अब हमने बोला है कि यहाँ पे हमने एंड अप करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस हाई चल रहे हैं इन लोगों के, तो सारे बॉयज हमारे जो है अब बराबर में कोई मंडी है मुझे पता चला है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस है। ठीक, तो वहीं पे मिलते हैं आपसे, जब तक अपना ध्यान रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे भी जान के भी जहाँ तक पॉसिबल हमारे चैनल पर ग्रो करिएगा। भाई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं जी, भाई हम व्लॉगिंग कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी। ठीक है भाइयों, मोहम्मद अहद कादरी और इजान हैदर। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। ये हम पहुंच गए हैं सेकंड मंडी में, ठीक है ना, जो मलिर मंडी के सेकंड पोर्शन है, ये गेट नंबर 2 से हम अंदर आए हैं। तो ये कि वहाँ के जो हमने प्राइस दिए थे वो आप लोग के सामने हैं, अब यहाँ पे प्राइस देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस लगता है, यहाँ पे सीन बनेगा हमारा भाई। सीन तो हैवी लग रहे हैं, आगे रेट वही है भाई, ये वाली मंडी में भी हम आए चेक करो भाई, यहाँ पे
जानवर भी मौजूद यहाँ पे भी है, खरीदार भी यहाँ पे मौजूद है, मगर सीन अभी तक नहीं पता यहाँ पे प्राइस का क्या सीन है। हाँ निशान भाई क्या सीन है? 160 का सीन है। अच्छा भाई हार के साथ एक है क्या? बगैर हार के हाँ इनके ऊपर भी आना चाहिए साला। फिर नहीं देखो इसके लगा दिए उन्होंने 160, इसके लगाए, इसके लगाए ब्राउन वाले, ब्राउन वाले के 160 लगा दिए हैं भाई। मगर ये क्या 160 वाली चीज़ है नहीं आपके सामने है। प्राइस अभी हमने पहले जानवर के लिए यहाँ पे और मस्जिद अंदर पड़ते हैं, ज्यादा अंदर हमारा जाने का इरादा है नहीं, बस ज्यादा ऊपर ही जाएंगे उसके तक वापस कर। हाँ भाई क्या भाई यहाँ के रेट देखिए, मैं तुम लोग को बहुत अच्छी स्कीम बताने लगूँ। देखो भाई तुम लोग जाओ कसाई के पास, 500 उठाओ किलो के हिसाब से गोश्त, UHU उठाओ तुम खयाम बुक डिपो से, सही है, और बकरा ईद तुम लोग को खाले मिल जाएंगे बाहर से। जोड़ो घर में, आर्ट एंड क्राफ्ट करो, DIY करो, खुद ही जानवर बनाओ, खुद ही काटो दूसरे दिन पे, जबरदस्त सब मिल जाएगा, ब्लड बैंक का रेंज हो जाएगा। इतनी सी बची है भाई, इतनी मेरी कमर जितनी 3.5 लाख करके थक चुके हैं, लेकिन व्यापारियों ने एक अपना मुआहदा बना लिया कि भाई हम अपने प्राइजेस नीचे नहीं करेंगे, हम नहीं देवेंगे। तो भाई आहत भाई के मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यार इनका भी ब्लॉग अब एंडिंग के ऊपर है, हम दोनों अपना ब्लॉग एंड करें। मंडी का जो पार्ट है वासिफ भी थक चुका है, हाँ मेरा भी ब्लॉग एंड हो चुका है। तो इजान आपके क्या रिव्यूज हैं आज जो हमारा विजिट हुआ मलिर मंडी का, किस तरह के प्राइस थे, क्या सिचुएशन थी वहाँ? भाई आप हालत से हम अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई पूरी तरीके से हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, हिम्मत हमारी टूट चुकी है, पाँव जवाब दे चुके हैं। और यार सच्ची बताऊँ यार, असल में जो सुहागढ़ वाली मंडी थी ना, वो हो चुकी है काफ़ी खुशी नॉर्दर्न बाईपास की तरफ, इस वजह से इन लोगों ने रेट बढ़ाए मेरा काफ़ी सारे, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा यहाँ का मलिर मंडी का। और मैं असल में घूम घूम के थक चुका हूँ, इंटरेस्टेड थे नहीं भाई यहाँ के व्यापारी, बहुत ज़्यादा हाई रेट से बहुत नखरे इन लोगों के, ठीक है, जानवरों को बिल्कुल बस बांधा हुआ है, कोई है मौजूद बेचने वाला कोई नहीं है, और जो मौजूद है उनके रेट सबसे ज़्यादा हाई है। हाँ तो भाई यही सीन है, बिल्कुल ऐसा हुआ, इंटर होने के बाद ही मूड खराब हो गया, तो हम लोगों ने सोचा कि व्लॉग भी जल्द से जल्द एंड किया जाए, सिर्फ तुम लोगों के लिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया कि भाई यहाँ की असल हकीकत तुम लोगों को बता देंगे, जो आ रहा होता है ना हमने वहाँ पे, हमने वहाँ पे मौजूद जो खरीदार होते हैं उनसे भी रिव्यूज लिए, वो भी शॉर्ट्स आप लोगों ने देख लिए हैं व्लॉग के अंदर, उनका भी कितना किस कदर गुस्सा था, एक हमारा गुस्सा भी था, एक जो सुबह से मौजूद थे उनका गुस्सा, हमें तो फिर पहुंच के 3-4 घंटे होते, वो सुबह 11 बजे से कोई 10 बजे से पहुंचा हुआ, और अब जाके सिर्फ एक पार्टी का सौदा हुआ, किसी का वो भी नहीं हुआ, लोग भी बढ़ के हुए, और एक अंकल तो शुरू ही हो गए थे भाई, आखिर कर दी थी उन्होंने, हुकूमत तक पहुँच गए थे वो बात लेके हुकूमत तक। फिलहाल मिलेंगे फिर किसी वीडियो में आपसे, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या कहना है मलिर मंडी के बारे में। किसी वीडियो में अपना घोषणा करें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक बार ये हमारी मर्गी, किसी के पास फारिक टाइम हो ना तो इस मंडी चले आना भाई। हां भाई अच्छे रिव्यू, द बेस्ट रिव्यू एवर।